अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और सब मजे में होंगे। आज के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैंने आपको कल के दिन पे मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में जो बताया था एग्जैक्ट वैसा वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एरिया है 1672 to 1680 का। ये एरिया मुझे दिखता हुआ लग रहा है कि एरिया ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनेगी, देन फिर हम यहाँ पे कुछ ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये एरिया ब्रेक हो गया पहले ही एक दो कैंडल्स में, तो उसके बाद यहाँ पे हम नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जैक्ट ऐसा ही मार्केट ने करा। आए आपको दिखाते हैं, चलें चलते हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। देर यू आर। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में ये एरिया आपके सामने ब्रेक हो गया था, जो हमारे पास पहला 80 का एरिया आ रहा था, ये प्रॉपर ब्रेक हो गया था। फिर यहाँ की टेस्टिंग लेके प्राइस सेलिंग दी 72 की। उसके बाद फिर ये वाला एरिया जो हमारा 72 का था, 72 का ब्रेक हुआ। तो अब मैंने आपको हमेशा बताया जो कभी भी एरिया ब्रेक होगा उसकी टेस्टिंग पे अगर सेल का ट्रेंड है तो पुल बैक लेगा उस एरिया को, अगर बाइंग का ट्रेंड है तो उस एरिया की रिटेस्टिंग लेके प्राइस पर बाय में जाएगा। अभी मैंने आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि प्राइस सेल में है। ये जो इतना बाय का मूव उठा तकरीबन, ये क्यों उठा? देखिए, तीसरा एक नया लो बन गया था मार्केट में। ये पहला लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, तीन लो बन गए थे मार्केट में। तीन लो बनने के बाद मार्केट एक ऐसा मूव देती है इसमें जो नया सेलर होता है या जो रिटेलर्स होते हैं उनको फंसाती है मार्केट। यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने 1100 पिप देके यही मूव दिया, जो 1100 पिप का मूव आया, ये यही मूव था जिसमें जो नए सेलर से वो ट्रैप हुए और वहाँ यहाँ पे वो फंस गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं फंसे, ना हमारा कोई भाई फंसा, ना हमारी कोई बहन फंसी, ना कोई ट्रेडर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मार्केट ने, हमने यहाँ से सेल करी, टॉप से सेल करा, और काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जिन्होंने होल्ड भी करा हुआ टॉप से। तो और मैं जानना चाहता हूँ किसने होल्ड करा है, किसने नहीं होल्ड करा, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया मैंने तो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करा कि आपने बहुत ज़बरदस्त टॉप से ट्रेड लेके होल्ड करा। यही चीज़ चाहिए आप लोगों की, आप लोगों को बताते हैं और आप लोग सुन के उस पर अमल करते हैं और उस पर प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये जो खुशी है ना, माइंड ब्लोइंग, इस खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं मज़ा देती। तो प्राइस ने बेयरिश ही आना है, फर्दर और बेयरिश आना है, और प्राइस जो है 1614 से 1610 को टेस्ट, जब तक मतलब जब तक डबल बॉटम नहीं बनता प्राइस का, डबल बॉटम नहीं बनता या एक और लो नहीं बनता, तब तक प्राइस बुलिश ट्रेंड में नहीं एंटर होगी। प्राइस अभी बेयरिश ही रहेगी। बुलिश में आने के लिए प्राइस को 1614 से लेके 1600 तक जाना ही जाना है। और अगर हम वीकली और मंथली का, अगर हम मंथली का देखें चार्ट, तो मंथली के चार्ट के हिसाब से प्राइस को 1560 से 1550 तक जाना है। चलें अभी तो हम आते हैं मार्केट के आज के, देखते हैं क्या मंथली सेलिंग, वीकली सेलिंग, डेली सेलिंग, H4 सेलिंग। अच्छा, एरियाज आपको लगाए हुए हैं, ये वही कल वाले एरियाज हैं। इन एरियाज से कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी गेन करा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी करा होगा। अब अगर ये 62 के एरिया से किसी ने यहाँ से बाई ली होगी आज के दिन में, तो उसने तकरीबन 70-50 पिप का प्रॉफिट भी गेन करा होगा। लेकिन अब ये एरिया यहाँ पे आएगा तो प्राइस एरिया ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, अभी तो यहाँ पे कोई इतना मजे का नहीं मूव आ रहा। जो अगली आपको सेल की ट्रेड मिल सकती है, वो आपको अगली सेल की ट्रेड मिल सकती है कहाँ से? सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी सिक्स के दरमियान से आपको अगली सेल की ट्रेड मिल सकती है जी। 75 to 77 के दरमियान से आपको अगली सेल की ट्रेड मिल सकती है गोल्ड में। बाकी गोल्ड का मेन ट्रेंड बेयरिश ही है, तो इसको बेयरिश साइड ही देखें। और आ जाते हैं इसके बाद हम पाउंड में, पाउंड का क्या सिनेरियो। पाउंड में सेलिंग आपको बताई थी और बहुत ज़बरदस्त सेलिंग मिली। पाउंड आज के दिन में थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, क्योंकि कल के दिन में न्यूज़ है। तो कल के, आज जितने भी पेयर्स हैं इंक्लूडिंग गोल्ड, इंडेक्सेस, इंडाइसेस, सब कमोडिटीज, सब जो हैं आज के दिन में थोड़ा स्टे लेंगे, मार्केट में ठहरेंगे। कल के दिन से एक न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ के बाद से परसों, तरसों, उसके बाद पूरा वीक उस न्यूज़ के फेवर में जाता रहेगा। तो ये टेक्निकली के साथ अगर आपको फंडामेंटल की नॉलेज होती है तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर पाते हैं इस मार्केट में। पाउंड का कंटिन्यू अभी भी ट्रेंड बेयरिश है, पाउंड बुलिश नहीं हुआ है ट्रेंड, और पाउंड थोड़ा इस एरिया में रेंज करेगा, ठहरेगा, उसके बाद फिर बाद में हमें एक सेल का मूव देगा। यहीं आते हैं USDJPY में, तो ये अभी अब बिल्कुल टॉप पे जाके ठहरेगा, ये इसका ऑल टाइम हाई पे जाके ये ठहरेगा। इसने ऑल टाइम हाई को टेस्ट भी कर लिया, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते हम, तो इसने यहाँ पे टेस्ट लिया, टेस्ट लेके इसने यहाँ पे होल्ड करा, अभी यहीं पे रुकेगा, थोड़ा सा सेल में आएगा, सेलर्स को कॉन्फिडेंस देगा, उसके बाद फिर ये एक और हाई ब्रेक कर देगा। आते हैं हम AUDUSD में, तो इसने अपना एक और लो बनाया आज के दिन में, तो ये कंटिन्यू हमें दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस और लो में जाए। अच्छा, इसका पहला लो, मैंने पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, और इसका पांचवा लो। पांच लो या पांच हाई के बाद भी ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर ट्रेंड जो है चेंज होने का सिनेरियो देता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ। सबसे पहले ट्रेंड चेंज होगा हमारा AUDUSD में, देन इसको देखते हुए बाद में गोल्ड में होगा, क्योंकि अभी ये जिस तरीके से बेयरिश दिखा रहा है गोल्ड में भी बेयरिश मूव आना है इस तरीके से।
जिस तरीके से एयूडीएसजी दिखा रहा है, ये ट्रेंड को पहले जो गोल्ड में होने वाला है ये उसको पहले ही आपको इंडिकेट कर रहा है। यूएस रिकेट पे आते हैं, यूएस रिकेट भी बुलिश है लेकिन ये टॉप पे जाके ही रुक गया। ये यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, लोग यहाँ पे डबल टॉप का सिनेरियो देखेंगे, H4 में बोलेंगे डबल टॉप बन रहा है, कैंडल फॉर्मेशन बन गए, ओ यस लेट्स डू दिस ट्रेड। तो लेकिन यहाँ पे ये उसके बाद फिर एक और अपना हाई ब्रेक कर देगा। फिर आते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन ने भी वही सिनेरियो करा, बिटकॉइन अभी रेंज टेस्ट कर रहा है, बिटकॉइन की रेंज जब भी ब्रेक करेगा चाहे वो ऊपर ही सेट करे चाहे नीचे ही सेट करे आप उस डायरेक्शन में बैठ जाइएगा। मैं आपको बोलता हूँ सेलिंग साइड देखें बिटकॉइन में, क्योंकि मुझे बिटकॉइन पर्सनली सेलिंग दिख रहा है। फिर हम आते हैं नेस्डेक में, नेस्डेक को भी बेयरिश मूव बोला था, बोला था ये लो ब्रेक हो जाएगा, एग्जैक्ट यही हुआ, ये लो ब्रेक हुआ पहले इस लो से थोड़ा प्राइस उठा फिर गिर गया इस लो के बाद। तो ये सिनेरियो था मेरी नज़र में कि ये लो ब्रेक होगा और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, इसने टेस्टिंग ली अपना प्रीवियस एरिया पे, प्राइस गया उस पर प्रीवियस एरिया की टेस्टिंग लेके फॉर्मेशन देखे कन्फर्मेशन और ट्रेड जबरदस्त। उसके बाद फिर हम आते हैं यूएसडीटी में, यूएसडीटी ने भी एग्जैक्ट यही करा, यूएसडीटी ने भी कंटिन्यू सेलिंग दिया और यूएसडीटी अपना डबल बॉटम टेस्ट करके थोड़ा सा बाइंग मोड ठीक, फिर दोबारा फॉल हो जाएगा यूएसडीटी। फिर हम आते हैं ऑयल में, तो ऑयल में बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दी मैंने आप लोगों को ये वाली, यहाँ पे कल के दिन में मैंने आपको ट्रेड दी थी कि यहाँ से बिल्कुल इस एरिया में था, यहाँ से आप जो है ट्रेड ले सकते हैं 90 समथिंग से। मैं आपको दिखाता हूँ कल के दिन का मूव, यहाँ पे था प्राइस मैंने आपको बोला 91 समथिंग से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत प्रॉफिट देके जाएगी। और इस ट्रेड ने तकरीबन 400 पिप का प्रॉफिट दे दिया है काफ़ी सारे भाइयों को, अब किसने कितना लिया इट्स अप टू देयर। अच्छा फिर आते हैं यूरो यूएसडी पे, तो यूरो यूएसडी का भी बताया था ये भी सेलिंग में आ गया, यहाँ पे अभी ये स्टे ले रहा है, इसके बाद ये भी फर्दर सेलिंग साइड ही जाएगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और उसको क्लोज करेंगे और एक हेल्दी प्रॉफिट में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इसी तरीके से अपना अपने ग्रुप में सबका ख्याल रखें और कोशिश करें अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो दूसरों की मदद करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं, उस तरीके से मैं चाह रहा हूँ हमारी तरह कोई ज़्यादा नहीं 40 से 50 ऐसे ट्रेडर्स हों जो दूसरों की मदद कर रहे हों, ताकि वो भी आगे लोगों को गाइड करें और वो भी आगे लोगों को मदद करें, तो हमारे मुल्क और हमारे दुनियावी एक बहुत अच्छा काम होगा। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग क्या करते हैं, चलें कोशिश करते हैं कि सबकी मदद करेंगे। बाकी अपने अपने के दौरान सबका ख्याल रखिएगा, यूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें, फिर हमारे अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।